सो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो बोन आती है, जॉइंट आता है दो बोन्स के मिलने से, और फिर उसके इर्द गिर्द जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स, वो भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको, ये जो पहला लेक्चर है ना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, आज आपको दो लेक्चर्स करवाऊंगा मैं। जो पहला लेक्चर है दैट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन, जो दूसरा लेक्चर है उसके अंदर हम प्रॉपर पैथोलॉजी पढ़ेंगे। सो इसलिए मैं आपको दूसरे लेक्चर तक लेके जाऊंगा, ज़्यादा मेरा फोकस ये है। इसको हम जल्दी से गो थ्रू करेंगे और एक दफ़ा इसको स्क्रीन करेंगे कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी समझने वाली हैं। अच्छा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट वगैरह सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, बाकी इससे आप फेमिलियर हैं, अपनी एनाटॉमी वगैरह पढ़ी होगी और इसके अंदर सारा कुछ आपने इसमें देखा होगा। अच्छा, बोन के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉडलिंग और रीमॉडलिंग का, मतलब कंटिन्यूसली बोन जो है वो रिजॉल्व हो रही होती है, बोन रिप्लेस हो रही होती है, नई बोन आके आ रही होती है वहाँ पे। वो कैसे आ रही होती है, कैसे रीमॉडलिंग हो रही होती है, उसके लिए सेल्स ऑफ बोन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स आ जाते हैं। प्रोजनी का मतलब क्या होता है, प्रोजनी का मतलब होता है, प्रोजनी का मतलब क्या होता है, प्रोजनी का मतलब होता है एक तरह से के काइंड ऑफ अ जनरेशन दैट कम्स फ्रॉम समवन, ठीक है, प्रोजनी उसे कहते हैं। सो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स वो हैं जो स्टेम सेल्स हैं, यानी कि जो और सेल्स बनाएंगे बोन के। तो ऑब्वियसली वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा से को स्टिमुलेट करके और बाकी सेल्स बनाते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो मुख्तलिफ सेल्स बना रहे होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस हमारा इस वक्त नहीं है क्योंकि उसका पैथोलॉजी में एज सच इतना डायरेक्ट रोल नहीं है, एक्सेप्ट एट सम प्लेसेस। तो हम पहले फ़िलहाल इन सारों के नाम देखेंगे कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं, लेकिन पहले हम सेल्स देख लेते हैं। सो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स हैं जिनसे बाकी और सेल्स बन रहे हैं, और कौन कौन से सेल्स बन रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स बन रहे हैं और ऑस्टियोसाइट्स बन रहे हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कौन से होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट पे जब पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन आके उसके ऊपर एक्ट करता है तो ब्लड से कैल्शियम निकालता है और उसको बोन में डाल देता है, मतलब ऑस्टियोब्लास्ट एक तरह से बोन बना रहा होता है। ऑस्टियोसाइट वो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जिसके इर्द गिर्द बोन मैट्रिक्स पूरी तरह आ जाए, इर्द गिर्द उसके बोन बन चुके हो, यानी कि बोन मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है और बाकी जो मिनरल्स होते हैं बोन के वो होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट मैक्रोफेजेस की सेल टाइप्स में से है, और पैराथायराइड का जब इस पे, पैराथायराइड हार्मोन जब इस पे एक्ट करता है तो ये कैल्शियम बोन की निकाल के उसे ब्लड में डालता है, यानी कि ये बोन को बोन रिजॉर्प्शन में ये एक्ट कर रहा होता है। सो ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन खाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन बनाएगा, और ऑस्टियोसाइट जो है वो बोन है, ठीक है, और ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स इन सेल्स को बनाएंगे। अच्छा, अब कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं बोन्स के अंदर, एक तो ये है कि टाइप 1 कॉलेजन 90% होती है, फिर सेल एडहीन प्रोटीन्स होती हैं जिसमें ऑस्टियोपोन्टिन, फाइब्रोनेक्टिन, थ्रोम्बोस्पोन्डिन आ जाती हैं। ये जो आपने सेल जंक्शन की टाइप्स में हिस्टोलॉजी में पढ़ा होगा अपने 3rd सेमेस्टर में, कि मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं जो सेल्स को आपस में मिला के रखती हैं। फिर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स ऑस्टियोनेक्टिन, साइलो प्रोटीन होती हैं। फिर प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन मिनरलाइजेशन ऑस्टियोकैल्सिन। फिर एंजाइम्स होते हैं जो बोन से रिलेटेड होते हैं, जैसे एल्कलाइन फॉस्फेटेज और कोलेजिनेज होता है। और इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स, यहाँ पे आगे इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, फिर साइटोकाइंस और केमिकल्स होते हैं जो सिग्नल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इन सेल्स के बीच में, प्रोस्टाग्लैंडिंस, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, रैंक लाइगेंड वगैरह। फिर इसके अलावा और प्रोटीन्स होती हैं जो सीरम में होती हैं, माइक्रोएल ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर्स की बात होगी, ये सारी की सारी चीज़ें, इस तरह की प्रोटीन्स जो होती हैं वो बोन की स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में और बोन के अंदर सिग्नलिंग को क्या उसे कहते हैं, मेक श्योर करने के बोन के अंदर जो सिग्नलिंग हो रही है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो ये केमिकल्स और ये प्रोटीन्स के अंदर यूज होती हैं। इसके अलावा बोन्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं वो ऑर्गेनिक पार्ट है, मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक पार्ट है। उसके अंदर हाइड्रोक्सी एपेटाइट मिनरल होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। फिर बोन किस तरह की होती है, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पैक्ट बोन होती है, स्पॉन्जी बोन होती है। आपने अपने 1st सेमेस्टर एनाटॉमी में शायद पढ़ा होगा कि कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन
कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन डेंस होती है और बाहर की तरफ होती है, कॉर्टिकल होती है, स्पॉन्जी बोन थोड़ी अंदर को होती है, और इसको कैंसलस या मेम्ब्रेनस बोन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर एक वोवन और लमेलर बोन होती है, ठीक है। ये इतना ख़ास अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स जो हैं वो इवेंचुअली ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। ये वही सेल्स के बारे में बात हो रही है जो अभी आपने पीछे स्लाइड में पढ़े थे यहाँ पे। सो ऑस्टियोब्लास्ट बना रहे हैं, एक्टिव ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो फिर इवेंचुअली जब वो कैल्शियम ब्लड से लेके बोन में डालते हैं तो वो ये जो ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं जिसके इर्द गिर्द बोनी मैट्रिक्स होता है। और कुछ ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं उनके ऊपर जब हार्मोनल या मुख्तलिफ केमिकल्स एक्ट करते हैं तो ऑस्टियोक्लास्ट बन जाते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, बोन से कैल्शियम निकाल के मतलब बोन को तोड़ रहा होता है, और जब तोड़ रहा होता है तो उसे कैल्शियम ब्लड में जा रही होती है। तो कुछ जो उसमें से बोन के टूटने से जो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स बाहर निकलते हैं वो फिर आगे इवेंचुअली ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स बनाते हैं। तो एक तरह से ये खुद ब खुद साइकिल पूरा बोन के टूटने का और बोन के दोबारा जुड़ने का हर वक्त चलता रहता है। कैल्शियम का बैलेंस बोन में मेंटेन करने के लिए सॉरी बॉडी में मेंटेन करने के लिए ये सारे के सारे सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो बोन मॉडलिंग और रीमॉडलिंग का आपको थोड़ा सा समझ आ गई होगी। ब्लास्ट्स क्या कर रहे हैं और क्लास्ट्स क्या कर रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स क्या कर रहे हैं और ऑस्टियोक्लास्ट्स क्या कर रहे हैं, बेटा इसको भूलना मत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ है। इन सारी बातों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट कर क्या रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, ठीक है, उसके ऊपर ये आपको बताओ, और वो इवेंचुअली करता है क्या है वो आपको बताओ। ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर कैल्सिटोनिन एक्ट करेगा और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो कैल्शियम बोन में लेके जाएगा। ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर पैराथायरॉइड हार्मोन एक्ट करेगा और वो कैल्शियम बोन से वापस ब्लड में डाल देगा, ठीक है। सो ये एक पिक्चर है जिससे आपको उसके फंक्शंस पता चल जाएंगे, ठीक है। आपको मसल्स वगैरह का तो पता होगा या आपने सारे का सारा कुछ पढ़ा हुआ है अपनी एनाटॉमी में, इसमें कोई नई चीज़ एज सच नहीं है। अच्छा, इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी के क्या क्या होती है फिज़िकल एक्टिविटी, और फिज़िकल एक्टिविटी से किस तरह की आपको इम्पेक्ट होता है बोन्स के ऊपर और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर। तो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये बेसिकली ज़्यादा जो अब यहाँ पे जो थोड़ा सा टच आ रहा है या आगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का आ रहा है। सो अगर आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है थोड़ी सी तो आपको उसके बारे में आइडिया होगा, और वैसे जनरल फिजियोलॉजी भी है, बट जस्ट अ क्विक गो थ्रू। तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ टाइप्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं, बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं, स्ट्रेचिंग या जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइज होती हैं। फिर उसके साथ क्या होता है, मसल कंट्रैक्शन होती है हर एक्सरसाइज के अंदर और मसल्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और मसल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज से कैल्शियम स्टोर इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, जब स्ट्रेच होते हैं तो मोबिलिटी ज़्यादा होती है, आपकी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, और आसानी से होगी। हायलिन कार्टिलेज थोड़ी थिक होती है और साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। एक लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो जब आपकी बॉडी को ज़्यादा एटीपी क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होती है तो ब्रीदिंग करने से और तेज़ तेज़ हार्ट के पंप होने से ज़्यादा ब्लड जो है वो मसल्स में आना शुरू हो जाता है। लेकिन बजाय एटीपी बनने के वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है और डिमांड है उसमें मुताबिकत नहीं रहती, ठीक है। ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम होती है, बिकॉज द बॉडी इज़ वर्किंग रियली हार्ड, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन कम होती है तो उसकी वजह से फिर लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है और इवेंचुअली उससे थोड़ी सी पेन भी होती है, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ फ्यूल्स बर्न होते हैं, आपको बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज, ग्लूकोज बर्न होता है, फैटी एसिड इस्तेमाल होते हैं, इवन अमीनो एसिड इस्तेमाल होते हैं एक्सरसाइजिंग मसल्स के अंदर, और फिर ये डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी देर तक एक्सरसाइज हो रही है, उसकी वजह से फिर आप को पता चल सकता है कि आया ग्लूकोज सिर्फ चाहिए होगी या फैटी एसिड चाहिए होंगे या इवन अमीनो एसिड चाहिए होंगे, ठीक है। सो ये दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा एजिंग की कुछ
फैक्टर्स होते हैं, कुछ चेंजेस आ जाती हैं एजिंग के थ्रू। मिसाल के तौर पे मसल्स का साइज और मसल का कंट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम हो जाती है, उसको सार्कोपिनिया कहते हैं। ठीक है, मतलब मसल हल्का हल्का वेस्ट होना शुरू हो जाता है। उसकी अक्सर रीजन ग्रोथ हार्मोन की कम प्रोडक्शन भी है, लेकिन ये अभी तक पता नहीं है कि क्या ग्रोथ हार्मोन की कम प्रोडक्शन है या यूज़ नहीं कर रहे तो इस वजह से मसल छोटा होता जा रहा है। और जब सार्कोपिनिया होता है तो उसकी वजह से थकन भी ज़्यादा हो जाती है और लोग गिरते भी ज़्यादा हैं। ठीक है, और इवेंचुअली कई दफ़ा रेस्पिरेटरी मसल्स भी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं सार्कोपिनिया की वजह से। तो फिर ब्रीदिंग उस तरह की नहीं होती जिस तरह की जवानी में हो रही होती है, बिकॉज ब्रीदिंग मसल्स चाहिए होते हैं। और जीआई ट्रैक पे जब मसल्स सार्कोपिनिया इम्पैक्ट करना शुरू करता है तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह होना शुरू हो जाती है। बोन मास स्लोली स्लोली लूज करना शुरू कर देता है, ज़्यादा बोन रिजॉर्प्शन होने शुरू हो जाती है, बोन फॉर्मेशन कम होती है 30s के आसपास। फिर उसके बाद कार्टिलेज के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो हाइड्रेशन होती है कार्टिलेज की, वो कम होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के आसपास भी जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो कम होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर हाइड्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। और फिर उसकी कंप्रेसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होना शुरू होती है, उसकी वजह से थोड़ी सी हाइट भी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इतना जो है वो हाइड्रेटेड नहीं रहती, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क थोड़ी छोटी हो जाती है। और इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज हैं ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम टू स्ट्रेस एंड ट्रामा। अगर आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को किसी उसके ऊपर कोई ट्रामा हो या कोई स्ट्रेस हो तो उसकी वजह से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बड़ी जल्दी इंपैक्ट होना शुरू होता है। मतलब क्या है इस बात का कि अगर क्रॉनिक स्ट्रेस हो, बहुत बंदा परेशान हो, कभी आपने अपने आप को एंगजाइटी में देखा होगा कि आपकी मसल टोन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मसल जो है वो हर वक्त जो है वो थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्टेड से रहते हैं, उसकी बॉडी जो है वो हर वक्त ऑन क्या उसे कहते हैं, ऑन गार्ड होती है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, एंगजाइटी में स्पेशली। तो वो एक ख़ास किस्म का स्ट्रेस है, बहुत देर तक ऐसे रहे तो फिर मसल जो है वो हो जाते हैं, और फिर उसकी वजह से टेंशन हेडेक शुरू हो जाती है और माइग्रेन हेडेक वगैरह भी शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसमें सर के स्कैल्प के ऊपर के जो मसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपको दर्द शुरू करवा देते हैं। फिर आपको पता होगा कि मुख्तलिफ एंगजाइटी की मुख्तलिफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, दैट्स बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू गिव यू एट दिस पॉइंट। उसका ऐसे डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन जस्ट कुछ चीज़ों का आपको बता रहा हूँ कि आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ता है। फिर उसके अलावा ट्रामा की वजह से स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा ट्रामा होता है, मसल इंजरी सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में होती हैं, और उसमें आप ऑब्वियसली शुरू में तो आपको थोड़ी देर क्या उसे कहते हैं, अपने आप को मतलब रेस्ट करवाना होता है और वो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर बहुत देर तक रेस्ट करते रहे तो ऑब्वियसली फिर मसल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा और एट्रोफी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन शुरू का रेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी मसल का टियर हो रहा हो और क्या उसे कहते हैं, अगर आपने उसको अप्रोप्रिएट टाइम नहीं दिया रेस्ट करने का, तो वो दोबारा टीयर भी हो सकता है और फिर वहाँ पे ज़्यादा मसला भी हो सकता है, और फिर उसकी स्ट्रेंथ जो है मसल की वो कभी उतनी नहीं हो सकती जितनी पहले थी। सो इसलिए आपको मेक श्योर करना होता है कि प्रॉपर रेस्ट दिया जाए, प्रॉपर बॉडी इमोबिलाइज की जाए थोड़ी देर के लिए, ताकि वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू आए और जौन सी भी हीलिंग प्रोसेस होना है सारे का सारा वो वहाँ पर हो और मसल स्ट्रेंथ वापस जितनी रीगेन हो सकती है होए। आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स माशाल्लाह पता नहीं कौन से इनके डॉक्टर्स होते हैं, कौन से इनके क्लिनिकल स्टाफ है, हर थोड़ी देर बाद इंजर्ड हो जाते हैं और इनकी इंजरी ठीक ही नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल रही होती और वो इंजरी से अक्सर लोग बेचारे अक्सर लोगों का कैरियर ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और वो वापस नहीं आ सकते उस इंजरी से। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डिजीज। उसमें से कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे अभी और बाकी अगले लेक्चर में, जो कि अभी होगा। ठीक है, अच्छा, अब बोन डिजीज़ किस तरह के होते हैं? मुख्तलिफ तरह के बोन डिजीज हो सकते हैं, नीचे से शुरू कर रहा हूँ मैं। ट्यूमर हो सकता है बोन, फ्रैक्चर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है बोन्स में। फिर इसके अलावा मिनरलाइजेशन के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, वो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो सकता है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी होती है जब क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, रीनल सिस्टम में क्रॉनिक रीनल फेलियर हमने पढ़ा था, उसके अंदर एक इम्पैक्ट बोन्स के ऊपर भी हो रहा था। फिर रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, ये सारे के सारे मिनरल के डिफेक्ट्स हैं, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन के। फिर ऑस्टियोक्लास्ट की प्रॉब्लम की वजह से एक बीमारी होती है, उसे पेजेट्स डिजीज कहते हैं या ऑस्टाइटिस डिफॉर्मेंस कहते हैं। फिर बोन मास अगर कम हो जाए तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है,
अगर मेटाबॉलिक पाथवे जो बोन के अंदर है, जिसके अंदर एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, आयन चैनल्स यूज हो रही हैं, ट्रांसपोर्टर्स यूज हो रही हैं, बायोकेमिकल पाथवेज जो हैं, अगर वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए तो ऑस्टियोपेट्रोसिस एक बीमारी होती है जो हो जाती है। फिर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो उनकी फोल्डिंग और डिग्रेडेशन होनी होती है, वो अगर डिफेक्टिव हो जाए तो उसकी वजह से एक बीमारी, एक स्पेशल बायोकेमिकल टाइप्स की बीमारी होती है जिसे म्यूकोपॉलीसेक्रिडोसिस कहते हैं। फिर कॉलेजन या एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन में अगर डिफेक्ट हो तो टाइप 1 कॉलेजन डिजीज होता है जिसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहते हैं, या टाइप 2, 10, 11 कॉलेजन डिजीज होते हैं। इसके अलावा हार्मोन और सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म्स में पहले से मसला हो जाए तो बोन ग्रोथ सही तरह से नहीं होती, उसमें मुख्तलिफ डिजीज हैं, एकोंड्रोप्लेजिया एक है, थैनेटोफोरिया एक है। फिर इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में अगर डिफेक्ट्स हो जाएँ तो उसकी वजह से बोन ज़्यादा बन सकती है, कम बन सकती है, पॉलीडेक्टली और सिंडेक्टली और एब्सेंस ऑफ बोन भी उसके अंदर हो सकती है। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले हम पहली टाइप को देखते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में अगर डिफेक्ट हो जाए तो पॉलीडेक्टली, सिंडेक्टली और ओलिगोडेक्टली। पॉलीडेक्टली क्या होती है कि एक एक्स्ट्रा उंगली आ रही है, सिंडेक्टली क्या हो रही है कि दोनों दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं, इनकम्प्लीट आधी जुड़ी हुई हैं, कम्प्लीट पूरी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और ओलिगोडेक्टली जिसमें एक उंगली कम है। तो ये बेसिकली ये किस चीज़ का इम्पैक्ट होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर हो रही होती हैं, अगर उस वक्त सही सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं हो रही हो, सही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ना आ रहे हो, प्रोटीन्स के ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए तो वो जो प्रॉपर सिग्नल्स नहीं जाते कि इतनी उंगली बननी है या यहाँ यहाँ से बननी शुरू होनी है या यूँ लिम्ब ने आगे जाके यू नो डिजिट्स बनाने हैं, तो उसकी वजह से फिर या डिजिट ज़्यादा बनेंगे या कम बनेंगे या जुड़े रह जाएंगे, which are three different types of the disease I just mentioned. फिर इसके अलावा हार्मोन और सिग्नल ट्रांसडक्शन में ये और ये दोनों ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन की वजह से प्रोटीन बनना शुरू होती है, ठीक है, तो ये इस दोनों के अंदर वो बीमारियाँ होती हैं इन दोनों टाइप्स में जो बचपन में हो जाती हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट के अंदर जब अभी बच्चा बड़ा हो रहा होता है उस वक्त से बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। एकोंड्रोप्लेजिया ड्वार्फिज्म जिसके अंदर लिम्ब शॉर्ट होते हैं, अकॉन्ड्रोप्लेजिया का मतलब होता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज, एप्लेजिया का मतलब फॉर्मेशन ना होना, तो कार्टिलेज नहीं बनती, जब कार्टिलेज नहीं बनती तो फिर स्केलेटन सही तरह से नहीं बनता, और अकॉन्ड्रोप्लेजिया एक तो मतलब तो इसका ये है कि कार्टिलेज फॉर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन अकॉन्ड्रोप्लेजिया एग्जैक्टली फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज में मसला नहीं होता, कार्टिलेज बनने के बाद उसकी जो बोन में कन्वर्जन है उसमें मसला हो रहा होता है और उसको ऑसिफिकेशन कहते हैं। सो जब वो बोन नहीं बनती तो फिर जो जो बोन ग्रोथ है या जो ऑसिफिकेशन है, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन वहाँ पे नहीं होती तो उसकी वजह से ड्वार्फ रह जाता है और वो फिर उसके लिम्स बड़े नहीं होते। मिसाल के तौर पे ये आपको नज़र आ रहा है एकोंड्रोप्लेजिया की वजह से बच्चा जो है बड़ा नहीं हो रहा, इसकी लेग्स थोड़ी सी बोर्ड होती हैं, हैंड इसके नॉर्मल होंगे, स्टैचर इसका छोटा होगा, मसल टोन इसकी कम होगी और आर्म्स और लेग्स इसकी छोटी छोटी होंगी। थैनेटोफोरिया जो है, देयर इज थैनेटोफोरिक ड्वार्फिज्म, ये एक और तरह के ड्वार्फिज्म है, इसमें रिब केज बहुत छोटी रह जाती है और उस बहुत छोटे इसके अंदर लिम्स होते हैं और जो एक्स्ट्रा स्किन है, मतलब स्किन ने तो ग्रो करना है, वो स्किन के फोल्ड्स जो हैं वो उसके ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं जहाँ जहाँ आर्म्स और लेग्स ने बड़ा होना था, ठीक है, तो थैनेटोफोरिक में रिब केज का ज़्यादा मसला होता है। फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं यानी कि कॉलेजन वगैरह और अभी जो ऊपर प्रोटीन्स की इतनी बड़ी स्लाइड आपको दिखाई थी उसमें अगर डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाए तो क्या कुछ होता है, अब ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक इस तरह का डिजीज़ है जिसमें कॉलेजन टाइप 1 कॉलेजन में डिफेक्ट होता है तो ब्लू स्क्लेरा नज़र आती है। जब टाइप 1 कॉलेजन है तो वो सिर्फ एक बोन्स में तो नहीं होती ना, वो बाकी जगह भी होती है, तो आइज़ की जो स्क्लेरा होती है वो ब्लूइश नज़र आती है, बोन इतनी ब्रिटल सी होती है, सॉफ्ट सी होती है कि वो फ़ौरन टूटती जाती है, बार बार टूटती जाती है, जब वो बार बार टूटती जाती है तो उसकी वजह से फोन फ्रैक्चर्स होते हैं और हियरिंग लॉस हो जाता है। आप अक्सर बोन डिजीज़ में देखोगे, अभी अगली स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे कि हियरिंग लॉस हो रहा है, बेटा वो हियरिंग लॉस क्यों हो रहा होता है, वो हियरिंग लॉस बेटा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इनर ईयर के अंदर, मिडिल ईयर के अंदर मुख्तलिफ बोन्स होती हैं, उन बोन्स ने आपकी जो बाकी सारी ऑडियो वेव्स हैं जो आप सुन रहे हो, साउंड वेव्स हैं, वो सारी की सारी आगे पहुंचानी होती हैं और उनकी स्पेसिफिक मूवमेंट के थ्रू आगे फिर एनर्जी पहुंचती है। सो अगर वो स्पेसिफिक मूवमेंट ही सही तरह से नहीं हो रही तो फिर क्या होगा, फिर माशाल्लाह से हियरिंग लॉस हो जाएगा क्योंकि ऑडिटरी मैकेनिज्म ख़राब होना शुरू हो गया। सो ये कंजेनिटल होता है, मतलब ये बीमारी जेनेटिक्स बेस्ड है और जो ऑटोसोमल डोमिनेंट इसकी जेनेटिक
ٹرانسمیشن ہے, یا آپ نے اگر جینیٹکس پڑھی ہوگی تو اس میں مختلف آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے جینس جو ہیں وہ آگے جاتے ہیں. اوبویسلی ایف ایس سی میں پڑھا ہوگا آٹوسومل ڈومیننٹ ریسیسیو اینڈ آل دوز ٹائپس آف موڈز آف انہیریٹنس, ٹھیک ہے, جس سے پتا چلا سکتے ہیں کہ اس کے بچوں کو کتنی ہوگی, اس سے آگے کے بچوں کو ہوگی. ریسیسیو سے پتا چل جائے گا کہ صرف ایک مدر سے جائے گی یا فادر سے بھی جائے گی بیماری وغیرہ وغیرہ, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اینی وے, سو آسٹروجینیسس امپرفیکٹا از بیسیکلی اے ڈیفیکٹ ان دی ایکسٹرا سیلولر سٹرکچرل پروٹینز. سو برٹل بون ڈیزیز آپ اسے کہہ سکتے ہیں, تو آپ اس کے اندر بوئنگ آف نیک ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ اسپائنل کرویچر جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں آ رہا, صحیح طرح سے مینٹین نہیں ہو رہا, تو کائفوٹک اسپائن ہو رہی ہے. اسکلیرا جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ بلو سا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ٹیتھ بہت برٹل سے ہوتے ہیں, وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ بونز جو ہے وہ ڈیفارمڈ ہوتی ہے. ہیئرنگ لاس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے 20s اور 30s تک جا کے پہنچ کے, تو آپ کو پھر تب جا کے اکثر پتا چل رہا ہوتا ہے, لیکن اسکلیرا آپ کی شروع میں آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب کولاجن صرف بونز میں نہیں ہوتی, تو اور بھی جگہوں پہ ہوتی ہے, تو باقی بھی سمپٹمز جو ہیں اس کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو یہاں کے اس سلائڈ میں نہیں دکھائے ہوئے. اب اس کے علاوہ ایک اور ٹائپس آف ڈیزیز ہیں جو میکرو مالیکولس کی فولڈنگ اور ڈیگریڈیشن کے اندر ڈیفیکٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب یہ میٹابولک ڈسآرڈرز ہیں, ٹھیک ہے. یہ اب آپ نے بایو کیمسٹری میں شاید اگر کلینکل پارٹ کیا ہو بایو کیمسٹری میں تو آپ نے اس وقت تھوڑا سا اس کو دیکھا ہوگا. تو اس میں کیا ہوتا ہے, میٹابولک ڈسآرڈر کچھ انزائمز ہوتے ہیں لائسوسومل انزائمز, لائسوسومز کے اندر وہ بڑے بڑے مالیکولس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں, یو نو ان بڑے مالیکولس کو گیگز کہتے ہیں, گلائکوسامینو گلائکنز کہتے ہیں. یہ پھر جب چھوٹے مالیکولس میں جب بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے ان کا, تو یہ پھر ایونچولی بون کارٹلیج اور باقی کنیکٹو ٹشو یا مسکولوسکیلیٹل سسٹم کا جو کنیکٹو ٹشو ہے اس کو بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ انزائمز ڈیمیج ہو جائیں یا ایبسنٹ ہوں کسی بھی وجہ سے, جو کہ موسٹلی جینیٹک ریزنز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے یہ جو بڑے بڑے مالیکیولز ہیں یہ وہاں پہ جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کا آگے جو فنکشن ہے وہ صحیح طرح سے آپ اچیو نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. سو اس کو میوکو پالی سیکریڈوزز کہتے ہیں, کیونکہ پالی سیکریڈوزز پالی سیکرائڈ آپ کو پتا ہوگا, آپ نے بایو کیمسٹری میں پڑھا ہوگا کہ پالی سیکرائڈ مونو سیکرائڈ مختلف ٹائپس آف کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, تو پالی سیکرائڈ ذرا بڑے والے ہوتے ہیں, تو جب بڑے والے کاربوہائیڈریٹس نہیں ٹوٹتے تو وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے مختلف مسئلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پروگریسو سیلولر ڈیمیج شروع ہو جائے گا, فزیکل اپیئرنس ڈیمیج ہونا شروع ہوگی, آرگنس ڈیمیج ہونا شروع ہوں گے, سسٹمز ڈیولپ ہونا شروع ہوں گے, اور ایونچولی ایون برین میں جا کے بھی امپیکٹ کرتا ہے. جہاں جہاں یہ میکرو مالیکیولز ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں, وہاں وہاں وہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے, اور جس جس سسٹم میں اور جس جس آرگن میں ڈیمیج ہو گئے اس اس جمع ہوں گے اس اس سسٹم اور اس اس آرگن کو ڈیمیج کریں گے, اور وہاں وہاں کے جو ہے سائنس اینڈ سمٹمس بننا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. سو انہوں نے نارملی کچھ انزائمس نے ان کو توڑنا ہوتا ہے اور یا فولڈ کرنا ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ چھوٹا کرنا ہوتا ہے تاکہ اسپیس اور جگہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے آکوپائی کریں اور مسئلہ نہ کریٹ کریں. سو اگر یہ بونز میں ہو جائے تو پھر یہ مسئلہ بونز میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کو لائسوسومل اسٹوریج ڈس آرڈر کہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اس میں جو انزائم ڈیمیج ہو سکتا ہے وہ الفا ہائیڈرونیڈیز ہے, اور اس کی وجہ سے گلائکوزامینو گلائکنز جو ہیں وہ ایکیومولیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں, لیکن صرف بونز میں نہیں ہوگی, یہ ملٹی سسٹمک چیز ہوتی ہے. ارلی مارٹیلیٹی جلدی ڈیتھ ہو جاتی ہے, لیکن اٹس ویری ریئر, اور اگر جو ریئر ڈیزیز ہیں ان کے بارے میں آپ سے کم پوچھا کروں گا, یہ ایک یو نو رول آف تھم آپ سمجھ لیجیے گا. جو کامن ڈیزیز ہیں سب سے پہلے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, ریئر ڈیزیز کی اگر آپ کو ڈیٹیل نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ پاس ہو سکتے ہو, لیکن کامن ڈیزیز کی نہیں آتی تو پھر مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں زیادہ تر ہم نے ریئر ڈیزیز کی ہیں. آسٹروجینیسس امپرفیکٹا از مور کامن, بٹ باقی ڈیزیز میں وہ ریئر ہیں, لیکن کوالیٹیٹلی انڈیکٹلی از ناٹ دیٹ ریئر. باقی جو ڈیزیز ہیں وہ سارے اس وقت اس کے اندر ریئر ہیں, ٹھیک ہے. سو دس از دا لیکچر دیٹ آئی واز سپوز ٹو کور ان دا لاسٹ لیکچر. سو اس کو ابھی بند کرتے ہیں اور اگلا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں جو کہ آج کا مین لیکچر ہے.